Assalamu alaikum. Welcome to Encyclopedia. Viewers, ये दुनिया अजीम हस्तियों से भरी पड़ी है जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया. ऐसी ही एक हस्ती का तज़किरा आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे जिन्होंने अपनी राह में हायल हर रुकावट को बड़े अज़्म व हिम्मत के साथ उबूर किया और अपनी कौम को एक अलग मुल्क का तोहफा दिया. उनका ताल्लुक किसी और मुल्क से नहीं बल्कि बड़े सफीर के वो सबसे बड़े लीडर हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है. जी तो आप समझ गए होंगे कि आज हम अपने अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी पर कुछ रोशनी डालेंगे और आपको कुछ ऐसे पहलुओं से रोशनास करवाएंगे कि जिनके मुतालिक शायद आज से पहले आपने शायद कभी ना सुना हो और आपके लिए हैरानगुन भी साबित होंगे. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो व्यूअर्स आज हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. That we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution. नाम इंसान की शख्सियत का अहम हिस्सा होते हैं क्योंकि नामों की शख्सियत पर असरात मुरतब होते हैं. कहा जाता है कि कायदे आजम का नाम हमेशा से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था बल्कि उनका नाम बचपन में मोहम्मद अली बाई जैसे कि उनकी वालदा का नाम रत्ती बाई था. तहम कुछ तारीख दानों का कहना है कि ये बाई का लफ्ज कायदे आजम ने अपने नाम से 1984 में हस्त कर लिया था. इसी तरह आपकी तारीख पैदाइश पर भी तनाजा पाया जाता है. कुछ तारीख दानों के बकौल कायदे आजम का यौम पैदाइश जो कि पाकिस्तान में 25 दिसंबर को मनाया जाता है वो 25 दिसंबर 1876 नहीं बल्कि 20 अक्टूबर 1875 है जिसे कायदे आजम ने बाद में बदलकर 25 दिसंबर कर लिया. फैक्ट नंबर 3, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत जहीन शख्स थे और उनकी जहानत का सबूत हमें इससे भी मिलता है कि 1896 में वो कानून का इम्तिहान पास करने वाले सबसे कम उम्र तरीन इंडियन तालिबे इल्म थे और इस तरह महज 20 बरस की छोटी सी उम्र में मुंबई में वो वाहिद मुस्लिम बैरिस्टर बने. फैक्ट नंबर 4, कायदे आजम ने वकालत से बदल होकर लंदन में शेक्सपियरियन कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली और यहाँ उन्होंने एक्टिंग का शोबा संभाल लिया लेकिन ये शौक ज्यादा देर चल ना सका और उन्होंने दोबारा वकालत इख्तियार कर ली. फैक्ट नंबर 5, कायदे आजम की वतन और हम वतनों से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बरसगीर में वो एक नामवर कानूनदान की हैसियत से जाने जाते थे और एक केस की फीस 1500 से कम नहीं लेते थे. लेकिन जैसे ही पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया और उन्हें गवर्नर जनरल का ओहदा दिया गया तो उन्होंने अपनी तनख्वाह सिर्फ 1 रुपया मुकर्रर की क्योंकि वो जानते थे कि उस वक्त मुल्क की माली हालत ज्यादा अच्छी ना थी. फैक्ट नंबर 6, कायदे आजम बचपन से ही बहुत सफाई पसंद इंसान थे. उन्हें गंदगी से नफरत थी. बहुत छोटी उम्र में भी वो अपने साथियों के साथ बांटे नहीं खेलते थे बल्कि उन्हें भी इससे मना करते और उन्हें अपने हाथ धोने और कपड़े झाड़ने की तलकीन करते. तहम खेल में वो क्रिकेट को पसंद करते थे जैसा कि इस खेल में आप धूल मिट्टी से बचे रहते हैं और कपड़ों के गंदा होने का डर भी नहीं होता. फैक्ट नंबर 7, मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत ही नफासत पसंद शख्सियत थे. अपने लिबास के मामले में वो बहुत कंसर्न रहते थे. उनके पास 200 से ज़ायद सूट और लातादाद टाइयां थीं. उन्होंने कभी एक टाई को दोबारा नहीं लगाया. फैक्ट नंबर 8, कायदे आजम की क्राकली कैप बहुत मशहूर है जिन्हें बाद में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मुनासबत से जिन्ना कैप का नाम दे दिया गया था. फैक्ट नंबर 9, मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत दूरंदेश और समझदार इंसान थे जिसका इतराफ उस वक्त के मुसन्निफीन ने भी किया. सादत हसन मंटू अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस महारत से जिन्ना बिलियर्ड की शॉट लगाते बिल्कुल उतना ही सोच समझकर वो अपने सियासी फैसले भी करते. फैक्ट नंबर 10, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की अजमत और खिदमत का इतराफ पूरी दुनिया करती है और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जगहों को उनके नाम से मंसूब किया गया है. तुर्की के शहर अंकरा की सबसे बड़ी स्ट्रीट जिन्ना के नाम से जानी जाती है. इसी तरह ईरान के शहर तेहरान में मोहम्मद अली जिन्ना एक्सप्रेस वे के नाम से एक सड़क है. जी व्यूअर्स, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत ही क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी के मालिक थे. आज हमने उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलुओं को देखा. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह निगेबान.